जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने मिजोरम में की कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाली 5 किलोमीटर की पद यात्रा। आइजोल में बोले, मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा, जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मगर पीएम मोदी एक बार भी नहीं गए। अग्निवीर अमृतपाल सिंह को मिलेगा शहीद का दर्जा। परिवार के सदस्य को नौकरी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की घोषणा। मोदी सरकार से कहा, अग्निवीर योजना बंद कर दो। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खून पीने वाले राक्षसों से की हमास की तुलना। कहा, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे फिलिस्तीनी के। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की हुई वापसी। T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे मुकाबले। इसके अलावा IOC से बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लेग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश को भी मिली मंजूरी। मुंबई में वोटिंग के बाद हुआ आधिकारिक ऐलान। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने यूपी में शुरू किया महाअभियान। हर घर दस्तक देंगे बीजेपी कार्यकर्ता। देश के कई हिस्सों में कम हो रही बीजेपी की राजनीतिक ताकत। NCP प्रमुख शरद पवार बोले, चुनाव के बाद तस्वीर होगी साफ, इस बार बीजेपी को हराना सबसे आसान। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, मुझे 8 साल से झूठे मुकदमे में फंसाने की बीजेपी रच रही साजिश। अग्निवीर गार्ड ऑफ ऑनर विवाद में सेना ने जारी किया अपना बयान। कहा, हम सैनिकों में भेदभाव नहीं करते। अमृतपाल सिंह ने खुद को गोली मार कर की आत्महत्या, इसलिए अंतिम संस्कार में नहीं दिया गया सैनिक सम्मान। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा सवाल। कहा, आप किसी को इसे जेल में नहीं रख सकते, अब तक चार्जशीट पर बहस क्यों नहीं हुई शुरू। मिजोरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को बताया देश का सबसे बड़ा नेता। बोले, हम उनके सिपाही। एक माह बाद शीतकालीन के लिए बंद हो जाएगी चार धाम यात्रा। 14 नवंबर को गंगोत्री और 15 को यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। बद्रीनाथ पर फैसला दशहरे के बाद। देवरिया नरसंहार में पूरे परिवार को खोने वाले देवेश दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने से किया इनकार। कहा, सपा सरकार में ही हुआ हमारा उत्पीड़न। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का तय हुआ समय। 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 बजे के बीच होगी लॉन्चिंग। 4 टेस्ट फिर अनमेंड और मेंड मिशन भेजेंगे। ऊपरी वन से जातीय गणना का समर्थन कर रही भाजपा। अगर ऐसा है तो पूरे देश में कराए सर्वे। JDU ने बीजेपी पर बोला हमला। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को पेशी के लिए नहीं जाना होगा कोर्ट। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की कोर्ट से मिली राहत। 2 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर तेजी से हो रहा मंदिर निर्माण कार्य। सामने आई ताजा तस्वीरें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने X पर किया पोस्ट। दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना मोबाइल पर बातचीत के दौरान नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग। ऐसा करने पर हो सकती है सजा। पति और पत्नी के विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। बिहारियों का अनोखा अंदाज। चंद्रयान 3 पर बने पंडाल में विराजेगी बड़ी देवी माता। कोलकाता से बुलाए स्पेशल कारीगर। महाराष्ट्र में यात्री ट्रेन के 5 डिब्बों में आग लगी। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। कोई हताहत नहीं। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली निवासी पवन सहरावत को मिलेगी 1 करोड़ की सम्मान राशि। CM अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। क्या सेम सेक्स मैरिज को मिलेगी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज। केंद्र सरकार बोली, यह है भारतीय समाज के खिलाफ। गाजा पर फिर से कब्जे की कोशिश, बड़ी गलती होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दी चेतावनी। इसराइल बोला, गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। भारत से चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता था अमेरिका, इसरो चीफ ने बताया। मोहम्मद रिजवान ने क्रीज पर पढ़ी नमाज। पाक विकेट कीपर के खिलाफ शिकायत दर्ज। मामला ICC के पास पहुंचा। सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है लूट की गारंटी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का विपक्ष पर वार। बोले, पार्टी ने कर्नाटक को बनाया अपना ATM। महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में सुनवाई। ब्रजभूषण के वकील बोले, कॉस्मेटिक तरीके से शिकायत दर्ज की गई, पहले कोई आरोप नहीं लगाए। कर्नाटक में कांग्रेस के ठेकेदारों से 100 करोड़ मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बोले, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को करप्शन का ATM बनाया। मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर नजर। बिहार के हाजीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने दिन दहाड़े सिपाही को गोलियों से भुना। मौके पर मौत। सिपाही को मारकर भाग रहे दोनों अपराधी एनकाउंटर में ढेर। उत्तम रडार से लेस होगा तेजस। इजरायली रडार की रिप्लेस होगा। 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम। 100 किलोमीटर दूर से पहचान लेगा दुश्मन। पंजाब में बारिश का जारी हुआ येलो अलर्ट। बीते 24 घंटों से दर्जनों जिलों में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। तापमान भी आया 2 डिग्री नीचे।
लाल निशान के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत, सेंसेक्स 115 अंक फिसलकर 66,166 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 19 अंक लुढ़ककर 19,731 पर हुआ बंद। इजराइल की राजधानी पर फिर रॉकेट हमला, संसद सत्र के पहले बंकर में छिपे सांसद जल्द तेल अवीव का दौरा कर सकते हैं बाइडेन। तेलंगाना कांग्रेस महिलाओं को एक एक तोला सोना दे सकती है, मैनिफेस्टो में 1,00,000 केस और स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट जैसी घोषणाएं संभव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करते रह गए प्लानिंग, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में चल दिया पिछड़ा, दलित और आदिवासी फॉर्मूला, पूर्व सीएम कमलनाथ की दिखी नई सोशल इंजीनियरिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पेश किया गंगाजल पर जीएसटी के सबूत, सोशल मीडिया पर शेयर किए दस्तावेज, लिखा गंगा में कि श्राप की कीमत चुकाएंगे भाजपा। सरकार की प्रमुख योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना ऊंचा प्रयास, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जय श्री राम के नारे पर भड़के उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा जहर घोले निकला है डेंगू मच्छर। जम्मू कश्मीर में स्थित बावे वाली माता के दरबार में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले फिर आएंगे। साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक टाइगर 3 का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज, सलमान खान कैटरीना कैफ के एक्शन पैक्ड अवतार ने उड़ाए होश। देश के बंटवारे के लिए सावरकर जिम्मेदार, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान से गरमाई सियासत। गुजरात के गांधीनगर में केसरिया गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने इस्तीफे की फर्जी खबर को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले मैं अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। अरब सागर में तूफान की आहट, चक्रवात तेज में बदल सकता है निम्न दबाव का क्षेत्र, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में पड़ी दरार, कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम, श्री राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए पंडाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन।